ভারত ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জয়গাঁও শহরকে নিরাপত্তার চাদরে ঢাকতে তৎপর রাজ্য সরকার। এই বিষয় নিয়ে জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদের কক্ষে বৈঠক করল প্রশাসন। জয়গাঁও এএসপি কুন্তল ব্যানার্জি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, প্রথমত হোটেলে আসা মানুষদের চিহ্নিত করতে উন্নত মানের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে। ভারত ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জয়গাঁও শহরকে নিরাপত্তার চাদরে ঢাকতে তৎপর রাজ্য সরকার। জয়গাঁয়ে নিরাপত্তা বাড়াতে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন জয়গাঁর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে। জয়গাঁ এমন একটি শহর, বিভিন্ন এলাকার মানুষসহ বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন বিদেশের পর্যটকরা জয়গাঁয় রাত্রিবাস করে ভুটানে যায়। মানুষের আনাগোনা বাড়ায়, বিভিন্ন ধরনের অপরাধও বাড়ছে। অনেকবার জয়গাঁ থানা পুলিশ অনেক হোটেল থেকে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ সহ পাচারকারীদের গ্রেফতার করেছে। এমনকি মধুচক্র সহ ড্রাগ পাচারকারীরা বেশিরভাগ হোটেলগুলিতে আশ্রয় নেয়। এই সমস্ত তথ্য পুলিশের হাতে পড়ায় প্রথম ধাপে হোটেল থেকে অপরাধীদের চিহ্নিত করতে এক উন্নত মানের সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা নেয় পুলিশ প্রশাসন। এই বিষয়ে জয়গাঁর সমস্ত হোটেল মালিক ও প্রশাসনের কর্তারা বৃহস্পতিবার একটি বৈঠক করে নির্ণয় নেওয়া হয়। এই বিষয়ে শুক্রবার জয়গাঁ এএসপি কুন্তল ব্যানার্জি এক প্রেস কনফারেন্স করে জানান। তিনি বলেন, জয়গাঁয় আনুমানিক ছোট বড় 30টি হোটেল রয়েছে। প্রত্যেকটি হোটেলের কম্পিউটারে একটি উন্নত মানের সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই সফটওয়্যারের মধ্যে নথিভুক্ত করতে হবে হোটেলের রাত্রিবাসকারীদের, তাদের ফটো ও ভোটার কার্ড, সাথে ফোন নম্বর সহ সেই নম্বরে একটি ওটিপি যাবে, তা দিয়ে নথিভুক্ত সুনিশ্চিত করা হবে, যাতে কেউ ভুয়ো নম্বর ও ভোটার কার্ড না দেয়। কোনো হোটেলে কম্পিউটার না থাকলে স্মার্টফোনে অ্যাপ ডাউনলোড করলে হবে। আর এই সফটওয়্যার মাস্টার জয়গাঁ থানায় থাকবে, সেখান থেকে পুলিশ নজরদারি চালাবে। এই প্রক্রিয়ায় জয়গাঁয় যেমন এক প্রকারের নিরাপত্তা হবে, তেমনি হোটেল মালিকদেরও কাজে সুবিধে হবে। তাদের আর কাগজ সংরক্ষণ করতে হবে না, সমস্ত মানুষের পরিচয় সফটওয়্যারে থাকবে। আর কোনো হোটেল নির্দেশ অমান্য করলে তার সংশ্লিষ্ট হোটেলের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। आज का मुख्य विषय ऐसा है कि टोटल जयगांव टाउन पे टोटल हम लोग देखें टोटल मोर देन 30 होटल रन कर रहे हैं, और ये होटल में पूरा इंडिया से बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और उन लोग को कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन अभी मैनुअली होता था, लेकिन जयगांव पीएस और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एक सॉफ्टवेयर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कल एक मीटिंग हम लोग को हुआ था जेडीए कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें टोटल होटेलियर्स आए थे, यहाँ का मर्चेंट एसोसिएशन वाले थे और लोकल पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो थे वो भी थे। तो एनोनिमसली अभी ये डिसीशन हो गया कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो हर होटल पे लगेगा। इस सॉफ्टवेयर में टोटल जितने सारे कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं उसका एंट्री सॉफ्टवेयर में दाखिल होगा, उसका छवि सॉफ्टवेयर में आएगा, उसके बाद वो जो मोबाइल नंबर उसमें वो लोग दे रहे हैं ये मोबाइल नंबर में उसका एक ओटीपी जाएगा। जैसे कि हम लोग देखे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस कि कुछ मेलाफाइट इंटेंशन के लिए कोई आते हैं तो वो मोबाइल नंबर ठीक नहीं देते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर चेक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर से एक ओटीपी उसका मोबाइल पे जाएगा, और होटल वाले ओटीपी को चेक करके मोबाइल नंबर जो जेन्युइन है उसका पता चल जाएगा। और एक फीचर सॉफ्टवेयर पे है कि ये आइडेंटिटी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड ये लोग दे रहे हैं वो आइडेंटिटी कार्ड का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर पे वो अपलोड हो जाएगा। और जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर है, सेंट्रल सॉफ्टवेयर पीएस जाएगा, पीएस पे रहेगा, पीएस में बैठ के हम लोग टोटल होटल पे कौन कौन कस्टमर है, कहाँ से आए हैं, क्या उनका पर्पस है, ये सब कुछ हम लोग सेंट्रली पीएस में बैठ के वो देख सकते हैं। इसमें जो होटेलियर्स है उनका लाभ है कि उसको मैनुअली इतना दिन तक जी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको रखते थे, अभी मैनुअली रखना नहीं पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये मोबाइल नंबर वाला सॉफ्टवेयर में जो नया फीचर हुआ है उसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा ये इंक्रीज़ हो रहा है,
ये हम लोग अप्रोच किए हैं कि ये होटल वाले जितने हैं इसको सॉफ्टवेयर जो है मैंडेटरी कंपल्सरीली इसको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वील राइट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर ट्रेड लाइसेंस। सर भूटान, यहाँ तो भूटान बॉर्डर है, भूटान नंबर में जो OTP चला जाएगा सर? नहीं, भूटान नंबर जो बाहर का है उसमें OTP ऐसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ, भूटान नंबर पे नहीं जाएगा। साइमल्टेनियसली जो है उसका जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है और दूसरा कुछ है वो हम लोग अपलोड करेंगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉरिनर्स। फॉरिनर्स का जो है पासपोर्ट अपलोड हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर पे, हम लोग पासपोर्ट देख के वो पता चल सकता है कि कहाँ से आया है, उसका डिटेल पासपोर्ट से निकल जाएगा। सर ये कब से चालू होगा? ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, 10-11 ठो होटल ऑलरेडी कल से स्टार्ट कर दिए हैं और 1st of January ये 2020 ये डेडलाइन हो गया। बाई 1st January कंपल्सरीली ऑल होटल्स इट शुड बी इंस्टॉल्ड, तब कि वो कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल होता है। अगर कोई होटल के पास कंप्यूटर फैसिलिटी ना हो तो हम लोग उसको मोबाइल में ऐप में उसको डाल रहे हैं, मोबाइल ऐप की तरह ये उसको काम करेगा। और कोई होटल जो आप बोल रहे हैं कि नहीं करे, नहीं नॉट अप्लाइजिंग, तो विल राइट टू कंसर्न अथॉरिटी फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर लाइसेंसेस। हेलो जयगांव, द वेट इज फाइनली ओवर, पैंटालूंस इज सेलिब्रेटिंग इट्स ब्रांड लॉन्च। विजिट अस एट NS रोड near Jaigaon Police Station. Pantaloons, style your change. With Arts and Commerce Department, led by a team of trained and experienced faculty. St. Dominic's impart quality education with audiovisual classrooms, IT lab, GPS track school buses, free spiritual class, nature club, various inter-house competition, art classes, and numerous educational tours. The girl, child, and minority can also avail of scholarships like Kanyashree offered by the government. Come to be a part of us because St. Dominic's discovers the best in children from all walks of life. Himalayan Optics, Eye Care and Contactless Clinic, Computer Eye Testing, हर तरीके की पावर ग्लासेस, ब्रांडेड चश्मा और हर तरीके की स्टाइलिश सनग्लासेस उपलब्ध है। तो आज ही आइए हिमालयन ऑप्टिक्स, हनुमान मंदिर रोड, जयगांव। कॉन्टेक्ट नंबर 03566265101। Boone English School at Netaji Palli, Hamilton Ganj, affiliated to CISCE New Delhi for ICSE Class 10 and ISCE Class 12. Admission is going on for the new session from classes nursery to class 9 and class 11. For more details, please contact the school's office at 7478356243 and 62972561166.
kitchen gallery, exclusive showroom for modular kitchen, aquarium, fish and pets, glass corner, MG Road, Jaigaon. रहे हैं आपके चैनल वॉइस, आपकी आवाज़।